जय हिंद। औरंगाबाद में वैश्य चेतना समिति द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। औरंगाबाद में वैश्य चेतना समिति द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को महाजन क्लब धर्मशाला रोड औरंगाबाद में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू एवं संचालन पत्रकार उपेंद्र कश्यप और राजकुमार पार्थसारथी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन दो सत्र में किया गया। पहले सत्र में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें जिला के सभी प्रखंडों के तथ्य समिति का गठन किया गया, जबकि दूसरे सत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड तथा समितियों को पंचायत चुनाव कराकर प्रखंड कमेटी गठित करने का दायित्व सौंपा गया। इसी तरह से जिला स्तरीय तथा समिति का गठन किया गया। समाज को एकजुट करने के लिए आयोजित इस समारोह में तमाम तरह के वैश्य जातियों और उपजातियों से आग्रह किया गया और समाज को सही दिशा देने तथा राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को सचिव रविकांत चौरसिया, उपाध्यक्ष अनंत प्रसाद सोनी, डॉक्टर सुनील कुमार एवं दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष नंद किशोर पोदार, सदस्य श्रीकांत अग्रवाल, करमूसा केसरी, विजय अकेला, सैनेन्द्र नारायण शाह, सत्यभूषण प्रसाद एवं अन्य ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि वह समाज विकसित, एकजुट और सक्रिय होगा, तभी देश का विकास होगा। कहा गया कि 34 नेताओं को भाजपा और राजद नेता वाले गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, इसमें से 24 ने जीत हासिल की। शायद ही इतनी सफलता और किसी समुदाय को मिलती हो। यह 70% का स्ट्राइक रेट है। नेताओं ने कहा कि वैश्य चेतना समिति के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू एवं उपाध्यक्ष अनंत प्रसाद सोनी ने कहा है कि समाज के वंचित और असंगठित तबके को संगठित करके मुख्य धारा से जोड़ना और समाज को आगे बढ़ाना संगठन का मुख्य लक्ष्य है। जब तक समाज के हाशिए की आबादी और असंगठित लोगों को हम नहीं जोड़ेंगे, उन्हें सबल नहीं देंगे, तब तक समाज का काम पूर्ण नहीं हो सकता। नेताओं ने कहा कि समाज को मुख्यधारा से जोड़कर राजनीतिक सामाजिक अधिकार हासिल करना, उन्हें जागरूक करना और राजनीतिक प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित कर हमें समाज को विकसित बनाना है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। वैश्य समाज की तमाम जातियों उपजातियों में राजनीतिक चेतना का विकास करना, राजनीतिक रूप से सक्रिय करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। औरंगाबाद जिला की तथा कमेटी का गठन। वैश्य चेतना समिति द्वारा रविवार को जिला तथा समिति का गठन किया गया। सभी 11 प्रखंडों की तथा समिति के गठन किया गया। जिला कमेटी के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार आम सभा द्वारा पारित सदस्यों की सूची में रोनियार वैश्य, मुकेश गुप्ता उर्फ लाल जी एवं संतोष गुप्ता टेलिस समाज से, सुरेंद्र मुखिया एवं संतोष कुमार शिक्षक, कानू हलवाई से राजेश गुप्ता एवं दिलीप गुप्ता जी, स्वर्णकार वैश्य से उपेंद्र कश्यप एवं रिंकू सोनी, चौरसिया वैश्य से सुरेंद्र चौरसिया एवं रामचंद्र प्रसाद चौरसिया, सौंडिक वैश्य से सुनील गुप्ता एवं राहुल अग्रवाल, वैश्य से गौरव कुमार एवं विजेंद्र अग्रवाल, पटवा ताती वैश्य से महादेव पटवा एवं अशोक पटवा, कुंभकार वैश्य से नीरज कुमार कसौंध्र, वैश्य श्री आनंद कुमार, डॉक्टर मनोज मालाकार, वैश्य से बसंत मालाकार एवं राम प्रवेश भगत, बढ़ई वैश्य से राम प्रसाद वर्मा एवं सुरेंद्र शर्मा, लोहार वैश्य से विनय शर्मा एवं रामनंदन वर्मा, लहरी वैश्य से राजकुमार लहरी एवं मिथिलेश लहरी शामिल किए गए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। आप भी अपना विचार दें। अगर आप वैश्य समाज से जुड़े हैं तो आप भी अपना विचार कॉमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।